निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। बसपा सुप्रीमो ने भी साफ कर दिया है कि वे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी। मायावती ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी ताल ठोक दिए हैं। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम विधानसभा आम चुनाव अगले महीने कराने की घोषणा का स्वागत, किंतु चुनाव आयोग की असली चुनौती सरकारी मशीनरी और धनबल आदि के दुरुपयोग को रोककर चुनाव को पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की है, जिस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है। पूर्व सीएम मायावती ने पोस्ट कर लिखा, साथ ही खासकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा चुनाव को गलत दिशा में प्रभावित करने के लिए लुभाने वादे, हवाबाजी, घोषणाएं आदि पर अंकुश लगाना जरूरी है, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। जातिवाद और सांप्रदायिकता का उन्माद और हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई अत्यावश्यक है। वही मायावती ने एक्स पर लिखा कि बीएसपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी समझौता करने के अलावा ही मिजोरम को छोड़कर राजस्थान, तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में अकेले ही बिना किसी से कोई समझौता किए हुए चुनाव लड़ रही है और इन राज्यों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद भी करती है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए अब डेट्स निकल आ चुकी है। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होगा। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगी। मतगणना की तारीख 3 दिसंबर बताई गई है। वहीं मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होंगी। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होने हैं और इसी को लेकर 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। 5 राज्यों की 16 करोड़ 14 लाख मतदाता भी वोट डालेंगे। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।